जय तो भारतम बंधुओं। बंधुओं, इसके पहले क्लास में हमने देखा कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। हमने उसके पहले लॉर्ड लिटन के समय को भी पढ़ा, लॉर्ड रिपन के समय को भी पढ़ा, और लॉर्ड डफरिन के समय में कैसे कांग्रेस का गठन हुआ ये भी पढ़ा। अगर आपसे पूछे फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस तो आप बताएंगे एओ ह्यूम। अगर आपसे पूछे कि पहला प्रेसिडेंट कांग्रेस का कौन, डब्ल्यू सी बनर्जी। अगर आपसे पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम कौन सुझाया, दादा भाई नौरोजी। उनको क्या कहा जाता था, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे पहला सत्र का आयोजन कहाँ हुआ जहाँ पर 72 प्रतिनिधि आए थे विभिन्न पार्टियों के, तो आप बताएंगे बॉम्बे। पहले इसकी तैयारी हुई थी पुणे में आयोजन करने के लिए, लेकिन कोलेरा महामारी के चलते इसको बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, लॉर्ड क्रॉस, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल वाइस रॉय था। गवर्नर जनरल 1857 से पहले हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट शासन आ गया तो उसकी जगह पर वाइस रॉय आ गया। ये सब चीज़ें हमने देखी। अब देखेंगे एज ऑफ मॉडरेट्स और एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। देखिएगा नरम दलों की आयु जो है वो 1885 से 1905 तक। इसके बाद आ जाते हैं गरम दल। नरम दल के लोग कौन थे, ये लोग कौन थे? देखिए कांग्रेस में अधिकतर लोग या तो मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग थे, मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग, या तो वो पूंजीवादी लोग थे जिनके पास बहुत पूंजी था, पैसा था, या तो जमींदार लोग थे, धनवान जमींदार लोग, यही लोग थे अधिकतर। तो और इन लोगों का मानना ये था मॉडरेट्स के लिए, फॉर द मॉडरेट्स, नरम दल वालों के लिए, कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय राष्ट्रवाद अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की शुरुआत जब हुई तभी से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होना भी शुरू हुआ, ऐसा इनका मानना था। उससे पहले भारतीय राष्ट्रवाद नहीं था। आप कहते हैं उससे पहले भारतीय राष्ट्रवाद नहीं था, तो वो क्या था जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि गौरी हिंद की सरजमीन पर कदम कैसे रख दिया, इसके कदम को उखाड़ कर फेंक देंगे। वो क्या राष्ट्रवाद नहीं था जब राणा सांगा ने देखा कि बाबर आ गया है, उसके गंदे पैरों को हम भारत में जमने नहीं देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। वो क्या राष्ट्रवाद नहीं था जब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पूरे भारत को एकीकृत किया और कहीं किसी का राज्य भी नहीं हड़पा, सबको जीत कर राज्य सौंप दिया, प्रतिनिधि वहाँ पर बनाकर अपना और अपने राज्य में चले गए, कर और भी वहाँ से नहीं लेते थे, भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं था? चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर भारत को एक किया, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं था? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं था जब डेमेट्रियस मेनांडर को भगाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे पंडित पुष्यमित्र सुंग? ये सब राष्ट्रवाद नहीं था तो क्या था? आप कहते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आप एक और भी बात कहते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश ये अंग्रेज लोग हैं, यही ये संसदीय संगठन के जनक हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर है, इसको डेमोक्रेसी को इसको ये भारत में भी इनकरेज करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे, वही जनक हैं इसके। आप इतिहास नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब पढ़े होते तो जानते कि पहला दुनिया को लोकतंत्र देने वाला वज्जी था, वैशाली यानी लिच्छवी गणराज्य के बारे में सुना हो। इनका अलग थियरी था, ये मानते थे कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन नाम का ये एक ऐसा सूर्य है जिसका कभी अस्त, जो कभी अस्त नहीं हो सकता, और ये मानते थे कि ब्रिटेन की प्रगति भारत की प्रगति है, ब्रिटेन अगर विकास करेगा तो भारत का भी विकास होगा, क्योंकि उसी के अंडर में भारत है, उसी के कॉलोनी है भारत। ऐसे ये लोग थे, कहते थे कि इनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, इनसे याचना करो, प्रार्थना करो, जो मिल जाए वो बहुत बढ़िया है। तो इनकी मांग करने की, लड़ने की नीति क्या थी, पद्धति क्या थी, तरीका क्या था, स्ट्रगल का मेथड क्या था? पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, ट्रिपल थी, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, ठीक। पहले तो याचिका दायर करें, याचना करें, फिर प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना से काम ना चले तब जाके अंत में आप प्रोटेस्ट करें, धरना करें। और इनके लिए धरना करना इतना बड़ा इनके लिए काम था, इतना बड़ा अपराध जैसा था, जैसे आज के समय में कोई बंदूक लेकर सड़क पर निकल जाए आतंकवादियों जैसे, तो वैसा इनके लिए इतना बड़ा अपराध था इनके नज़र में धरना।
सबसे पहले पिटीशन याचना करते थे, प्रार्थना फिर करते थे, याचिका दायर करते थे, फिर उसके लिए प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के बाद तो लास्ट में जब नहीं होता था तो एक दो बार कब ये आंदोलन कर देते थे, धरना करते थे, प्रोटेस्ट सिंपल हो गई एकदम। तो ऐसी इनकी नीति थी मॉडरेट्स की। मॉडरेट विचारधारा के लोगों में दो नाम, सबसे बड़ा नाम सामने आता है, एक जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी और एक है गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। गांधी जब 1915 में आते हैं, बुलाते हैं अपने पास, बाबू गांधी इधर आओ, देखो एक साल कुछ मत करना, शांति से रहना, उसके बाद कुछ करना होगा तो करना, लेकिन अहिंसा मत करना, अहिंसा के मार्ग पर चलना। अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। दिन होता है 19 फरवरी 1915, उसी दिन शिवाजी का जन्म होता है। 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ रहता है, तो उस दिन उनकी जयंती रहती है। तो कोई आकर वीर शिवाजी की गाथा सुना देता है, इधर अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। जब ये सुनते हैं, गांधी बड़ा ध्यान से सुन रहा है बात, इसका मतलब प्रभावित हो रहा है इस कथा से, वीर शिवाजी की गाथा से, सोचते हैं ये तो मारकाट वाला बात सब सुना रहा है, युद्ध लड़ाई वाला, हम अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, ये हिंसा सुनने लगा, कहीं इसका असर ना पड़ जाए, हमारी सिखाई हुई बातों को भूल ना जाए और हिंसा ना करने लगे, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो ये सोचते सोचते इनको हार्ट अटैक आ गया। बूढ़े तो थे ही बहुत, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं, ये नहीं, ये तो ये थे रामगोपाल कृष्ण गोखले भी बूढ़े थे बहुत। तो ये सोचते सोचते इनको हार्ट अटैक आ गया और ही मर गए। ये बात हम विनोद में किए हैं, ऐसा कोई है नहीं ऐसी बात, बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बड़ा संयोग है, 19 फरवरी इनकी मृत्यु का दिन है और 19 फरवरी शिवाजी की जयंती का दिन है, तो इस तरह से हम बना दिए विनोद के लिए। तो 19 फरवरी 1915 में ही चले जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इन सिखाए जाते हैं गांधी जी को अहिंसा का पाठ। ये गोपाल कृष्ण गोखले और एक दादा भाई नौरोजी में कुछ प्रतिशत, मतलब 10% गर्म दल का भी अंश था, 10% थोड़े ही एक्सट्रीमिस्ट थे, 90% तो मॉडरेट ही थे। गोपाल कृष्ण गोखले प्योर थे, एकदम पूरे मॉडरेट थे, नरम दल। अब देखिए ये नरम दल के लोग असफल हो जाते हैं। असफल होने का कारण क्या रहता है? कारण बहुत सारे रहते हैं, प्रमुख कारणों में ये कि इनमें जो पार्टी में जो सदस्य अधिकतर ये होते हैं, ये अमीर लोग होते हैं, अधिकतर अमीर लोग होते हैं। आपको पता है अमीर जमींदार रईस पूंजीवादी लोग, तो अधिकतर ये सब अमीर होते हैं, तो गरीबों की दशा को भी क्या समझेंगे, नहीं समझ पाए। दूसरा बात ये कि ये भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश उपनिवेशवाद को नहीं समझ पाए, इसके अंतर को बता ही रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक अलग नहीं है, भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ये दोनों अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा इनका मानना था, इसके अंतर को समझ नहीं सके, ये दूसरी विफलता का कारण। तीसरा ये कि ये 1905 में आए बंगाल के विभाजन को रोक नहीं सके, बंगाल के विभाजन की बात हम करेंगे, तो ये फेल हो गए, नरम दल के लोग फेल हो गए। इसके बाद आते हैं गरम दल के लोग, एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट 1905 से 1915 तक, ये 20 साल इनका 10 साल। तो अब गरम दल के लोग आते हैं, गरम दल के लोग जो होते हैं, अतिवादी जिन्हें कहा जाता है, चरमपंथियों की आयु यह रहती है। तो चरमपंथी विचारधारा के जनक माने जाते हैं अरविंदो घोष। कौन? अरविंदो घोष। तो 1909 में इनको जेल में सब डाल देता है अंग्रेज, सब एक साल कैद में रहते हैं एकदम अकेले, बस एगो कोठरी एकदम ऊपर छोटा सा झरोखा, एक साल बाद कैद में से निकल कर आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अब हमको कौन फ्रीडम स्ट्रगल नहीं करना है, हम जीवन की हकीकत को जान गए हैं, वही ईश्वर जीवन की एकमात्र हकीकत है, बाकी सब तो सपना है, जगत मिथ्या, मायावाद का सिद्धांत शंकराचार्य का इनके दिमाग में घूमने लगता है। एक साल में इनका पूरा दिमाग दूसरी ओर मुड़ जाता है, अकेले जब रहते हैं अरविंदो घोष। खैर, लेकिन अरविंदो घोष ही चरमपंथी विचारधारा के जनक थे। अरविंदो घोष सबसे पहले इन्होंने भारत माता का चित्रण किया था, भारत माता का चित्रण अरविंदो घोष ने सबसे पहले किया, और
इसको स्थान दिया गया बंग दर्शन वाले आर्टिकल किस सीरीज में, आर्टिकल की श्रृंखलाएं आती थी उस समय बंग दर्शन की, भारत माता का चित्रण इसको स्थान किसमें दिया गया, बंग दर्शन में, बंग दर्शन में। बंग दर्शन किसका था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, जो बंग दर्शन आर्टिकल का सीरीज आया करता था उस समय, उसमें इन्होंने अरविंदो घोष के भारत माता के चित्रण को स्थान दिया बंग दर्शन में, ठीक है। अरविंदो घोष ने निंदा की मॉडरेट्स की नीति को की, निंदा किसकी की, जो नरम दल के लोगों के संघर्ष का तरीका था, नरम दल के लोगों के संघर्ष का जो तरीका था उसकी निंदा की उन्होंने, ठीक है, अरविंदो घोष ने। अब इनके विचार को मानने वाले इनके सपोर्टर्स कांग्रेस में भी कुछ थे, जैसे कि तीन सबसे महत्वपूर्ण लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल ये तीनों समर्थक थे अरविंदो घोष के। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। यही थे भगत सिंह के गुरु जी, इनको लाठी मार के मार देता है सब अंग्रेज सब लाहौर में, जो साइमन कमीशन के बाद जो विरोध करते हैं, धरना देते हैं, उसमें लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है, लाठी कई लाठी पड़ जाता है, फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भगत सिंह के गुरु जी थे, इसी से भगत सिंह क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं अंग्रेजों ने मेरे गुरु को मारा, मैं उनकी तस्वीर फैला दूंगा। तो भगत सिंह के गुरु जी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की एक किताब है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की किताब अनहैप्पी इंडिया, ठीक। इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ये एक किताब लिखते हैं वैलेंटाइन चिरोले, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है पूछेगा तो क्या बताएंगे, बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन अनरेस्ट, इंडिया में अशांति फैलाने वाला उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। अब बिपिन चंद्र पाल का क्या है, बिपिन चंद्र पाल जर्नल आती थी उस समय, न्यू इंडिया जर्नल आती थी, उसके फाउंडर बिपिन चंद्र पाल थे, जर्नल आती थी उस समय न्यू इंडिया, इसके फाउंडर थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। एक इन्होंने किताब लिखी थी बंगाल ओपिनियन नाम का एक किताब लिखी थी, बंगाल ओपिनियन की इन्होंने किताब लिखी थी बिपिन चंद्र पाल ने। तीनों ही अरविंदो घोष का समर्थन करते थे। अब देखिए इन तीनों ने मिलकर वंदे मातरम मूवमेंट लेकर आए, उन्नीस सौ 1905 से 1909 तक जो चला, इसे स्वदेशी मूवमेंट भी कहा जाता है। इधर लिख लेते हैं, चाहे इधर ये लिखते हैं, वंदे मातरम आंदोलन, इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ये कब से कब तक चला, 1905 से 1909 तक चला, जब बंगाल का विभाजन शुरू हुआ, बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव आया, घोषणा हुई 1905 में, लॉर्ड कर्जन इसकी घोषणा करता है, लॉर्ड कर्जन 4 जुलाई 1905 को ये घोषणा करता है बंगाल के विभाजन की। कारण क्या बताता है कि बंगाल बहुत बड़ा इलाका, पहले भी आपको हम बता चुके थे बंगाल के नवाबों के बारे में बता रहे थे, तो कि बंगाल में उस समय उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सब आ जाया करता था, कहाँ पर, बंगाल में। तो बंगाल बहुत बड़ा इलाका था, इनका ये कहना था कि इसमें कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन शासन करना यहाँ पर बहुत कठिन हो रहा है। एक बात बताइए कि इससे पहले कौन यहाँ शासन कर रहे थे,
इतना साल से भाई 1757 में तुमने सिराजुद्दौला को हरा दिया, मीर जाफर की गद्दारी के चलते मीर जाफर ने तुम्हारा साथ दिया, हरा दिया बैटल ऑफ पलासी में, उसके बाद तुम्हारा ही शासन था 1757 से। तो 1757 से 1905 तक इतने लंबे समय तक कैसे शासन कर रहे थे 150 साल तक? अब इन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा इलाका है, उस समय भी था। कहा आपको जमीन में पड़ गया क्या? उतना ही है, अब समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि ये कारण तो नहीं था। कारण ओरिजिनल क्या था? हिंदू मुस्लिमों को बांटना भेद की नीति, साम दाम दंड भेद चार नीतियां हैं, या साम दाम भय भेद कही, चारों नीतियों का इन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले जब आए 1602 में तो जहांगीर ने जब प्रतिबंध लगा दिया, फैक्ट्री नहीं बनवाने दिया, तो कैप्टन हॉकिंस कह रहा तू प्रशंसा खूब किया जहांगीर का, जहांगीर खुश हो गया, कह दिया कि बनवाओ बनवाओ फैक्ट्री लगवाओ। साम नीति का प्रयोग किया, साम माने प्रशंसा करके अपने वश में करना, अपनी बात मनवाना। फिर जब डचों ने भड़काया और फिर जब प्रतिबंध नहीं लगा दिया तो 1915 में सर टॉमस राय आया, रो आया, वो फिर से दाम नीति का प्रयोग किया, कहा कि हम ज़्यादा टैक्स आपको देंगे, फिर मान गया जहांगीर। अब फिर इसके बाद इन्होंने दंड नीति का या फिर भय नीति का प्रयोग किया। जब ये सब चले गए, जब फर्रुख सियार से जब मिल गया परमिट, ये दस्तक प्रणाली, उसके बाद विरोध हुआ, सिराजुद्दौला ने विरोध किया, तो इन्होंने भय दंड नीति का प्रयोग किया। दंड नीति भी कारीगर नहीं हो रहा था तो उन्होंने मीर जाफर को मिला लिया, मीर जाफर ने गद्दारी कर दिया, फिर भाई चले गए। फिर 1959 में भी उसी नीति का प्रयोग करके क्या कहते हैं डचों को हराया, फिर फ्रेंच को 1960 में बांडीवास का लड़ाई, बेदरा का लड़ाई 1959, फिर 1964 बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सब दंड नीति था। अब सब कुछ कर लिया था, 1857 की क्रांति भी हो गई थी, अब एक नीति इनके पास बस बचा था, उठा भेद, फूट डालो और राज करो। तो उस नीति का प्रयोग किया और बंगाल के विभाजन की प्रस्ताव का घोषणा, ये सब बंगाल के विभाजन का घोषणा कर दिया सब। तो डिवाइड एंड रूल इनकी पॉलिसी थी। इसी के विरुद्ध में वंदे मातरम मूवमेंट चला, इसमें स्वदेशी आंदोलन भी इसी का पूरक था, लाल बाल पाल के नेतृत्व में। इसमें नारा जो था इसका, स्वदेशी और स्वराज, स्वदेशी और स्वराज, स्वदेशी और स्वराज, ये नारा था। अब ये स्वराज का नारा था, अब अच्छा देखिए, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने कवियों की भूमिका थी, उन्होंने राखी बंधन शुरू करवाया हिंदू और मुस्लिमों के बीच, कि आप बांटना चाहते हो हम बटेंगे नहीं, राखी बांधो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। राखी बंधन का कौन शुरू करवाया? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ आप लिख लीजिएगा टैगोर, राखी बंधन शुरू करवाया हिंदू मुस्लिमों के, ठीक है। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, शांति निकेतन, शांति निकेतन जो अंग्रेजों की शिक्षा नीति का विरोध करते थे, लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति थी इसका विरोध करते थे, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने कराई रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सब बातें हुई और इनका नारा था स्वराज और स्वदेशी। इन स्वराज का ये नारा बस बंगाल तक सीमित था, ये चाहते थे पूरे भारत में ये फैले स्वराज का नारा। इसके लिए घूम घूम कर चारों ओर लोगों को जुटा रहे थे, भाषण दे रहे थे गांव गांव में जाकर, पूरे भारत की यात्रा इन्होंने की तीनों ने मिलकर, और बिना माइक का भाषण देते थे हजारों की भीड़ में, 5-5, 6-6 घंटे, माइक उस समय कहाँ होता था, और सबको एक किया। और लास्ट में जाते जाते 1909-08 आते आते पूरा एक करोड़ों का फौज तैयार हो गया, कहा कि किसको किसको जेल में डालो। हाँ, ये तो जेल में चले गए थे बाल गंगाधर तिलक 1908 के करीब, लेकिन इनकी फौज जो थी वो पूरी तैयार हो गई थी, और उसके चलते अब बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसकी कथा हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, ये स्वराज की का जो नारा था, ये चाहते थे डायरेक्ट अगर कांग्रेस समर्थन कर दे, कांग्रेस पार्टी तो पूरी राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर तक इस नारे को हम पहुंचा सकते हैं, ये ऐसा चाहते थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, 1906 में इलेक्शन हुआ उसमें ये प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, पर संख्या मॉडरेट्स की अधिक थी, नरम दलों की अधिक थी, तो उन्होंने बनाया प्रेसिडेंट किसको? दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को। तो इसका गरम दल के लोगों ने विरोध किया कि हम बाल गंगाधर तिलक बनेंगे, दादा भाई नौरोजी ने कहा समस्या क्या है, क्यों ऐसा चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमको स्वराज के नारे तक राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा हम यही काम कर देते हैं, हमने पहले भी बताया गरम दल का भी कुछ हल्का सा था, हम वही काम कर देते हैं, स्वराज के नारे को पहुँचा देते हैं भाई, प्रमोट कर देते हैं। इसलिए स्वराज का उनके नारे का क्रेडिट चला गया किसको? नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को इसका क्रेडिट गया स्वराज के नारे का। इन्होंने वादा किया कि 1907 में हम पक्का बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बना देंगे, सबने वादा किया, लेकिन इस समय दादा भाई नौरोजी को रहने दो।
ये भी संतुष्ट हो गए 1907 में हरिवार गंगा धरती लग बन जाएंगे, तब तक स्वराज वाला भी हमारा बात हो ही गया। लेकिन 1907 में ऐसा हुआ नहीं। 1907 में रास बिहारी घोष को बना दिया, रास बिहारी घोष नहीं, रास बिहारी घोष, वो रास बिहारी घोष बन गए, रास बिहारी घोष बन गए प्रेसिडेंट। अब विरोध भड़का पूरा, चप्पल से उस समय लड़ाई हुई थी उनके बीच में। अब इसके बाद मॉडरेट्स ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया कांग्रेस से, उनकी संख्या अधिक थी तो एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया। तो एक्सट्रीमिस्ट ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, नाम था उसका लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी 1907 में, लिबरल पार्टी लाल बाल पाल ने मिलकर लिबरल पार्टी बनाई और अपने आप को नियो नेशनलिस्ट कहा, नियो नेशनलिस्ट। इसके पहले के जो राष्ट्रवादी थे वो अलग हैं, हम नए राष्ट्रवादी, हम देखो किस तरह काम करते हैं। लेकिन इनको काम करने देगा तब ना, पहले बहुत बड़ी पार्टी का समर्थन इनके साथ था, साया था, तो अंग्रेज कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब उसका साया हट गया, तो छोटी मोटी पार्टी इन्होंने बनाई है, कौन जानता है इसको। 10 साल पहले जो मुकदमा इन पर चल रहा था चापेकर ब्रदर्स की मदद करने का, उसको खोल दिया बाल गंगाधर तिलक के केस को। 10 साल पहले का मुकदमा था, सजा इस समय किया 1907 से लेकर 1908 के बीच में सजा इनको हुई। तो चापेकर ब्रदर्स की मदद करने पर इनको 1.5 साल की सजा हुई और गणेश पूजा में के त्यौहार में महाराष्ट्र में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, उस पर 4.5 साल की सजा हुई। 6 साल की सजा 10 साल बाद इन्हें, तो ये तो सब तुरंत ही कई दिन में सजा करता था अंग्रेज। 10 साल बाद सजा किया जब कांग्रेस का साया हट गया, तब इन्हें 6 साल की सजा हुई बाल गंगाधर तिलक को, 6 साल की सजा। हम देखा कि क्या कहते हैं विपिन चंद्रपाल ने ऐसा हो रहा है, सब केस ठुका रहा है हम लोग पर। विपिन चंद्रपाल ने संन्यास ले लिया राजनीति से, पाल ने संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया राजनीति से, संन्यास ले लिया। और लाला लाजपत राय ने देखा, लाल ने देखा कि समय अनुकूल नहीं है, अभी यहाँ से चले जाने चाहिए, बाद में समय उचित जानकर हम आएंगे वापस और फिर से क्रांति लाएंगे। तो ये अफगानिस्तान की ओर चले गए, चले गए, ये सब चले गए, आंदोलन दबने लगा। लेकिन भाई करोड़ों की फौज जो तैयार हो गई थी 3 वर्षों में, वो कैसे नियंत्रण में लाया जाए। तो इनकी मजबूरी थी कि बंगाल पार्टीशन को वापस लिया जाए, पार्टीशन तो इन्होंने कर दिया था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में हो गया था, 4 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। कहाँ लिखे हैं 4 जुलाई 1900, इसमें नहीं लिखे हैं, 4 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और ये क्या कहते हैं 16 अक्टूबर 1905 को फोर्स में आया, फोर्स में आया, ठीक है। लिखे तो थे कहीं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पूरी तरह से हो गया, लेकिन फिर से इसको वापस लिया गया, इसको वापस लिया गया, वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बोला जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म या मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म बोला जाता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। इसमें कहा गया कि हम बंगाल पार्टीशन को वापस लेते हैं, वापस लेते हैं, लेकिन फूट डालो राज करो की नीति का क्या होगा। तो उसके लिए इन्होंने बंगाल का पार्टीशन वापस ले लिया, तो वंदे मातरम मूवमेंट क्विट हो गया, वंदे मातरम मूवमेंट चला गया। कहाँ गया वंदे मातरम मूवमेंट, हमने लिखा था ना, हाँ वंदे मातरम मूवमेंट चला गया इसके बाद, इस निर्णय के बाद, ठीक है, ये मूवमेंट चला गया। हाँ यहीं पर लिखे थे, नहीं दिखाई दे रहा था, 4 जुलाई 1905 को ये लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया और 16 अक्टूबर 1905 को ये फोर्स में आया। फिर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आया, बंगाल का पार्टीशन को वापस लिया गया, तो वंदे भारत मूवमेंट क्विट हो गया, बंद हो गया। फिर इसके बाद फूट डालो राज करो वाली नीति का क्या होगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इसकी मांग कौन कर रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या इसको बताएंगे, इसकी मांग कौन कर रहा था। ये 1907 में तो लिबरल पार्टी बनी थी, कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन एक और टुकड़ा हुआ था कांग्रेस से, कुछ मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने, वो निकलकर इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। सलीम उल्लाह जो नवाब ऑफ ढाका होता है, सलीम उल्लाह और आगा खान दोनों मिलकर ढाका में इंडियन मुस्लिम लीग बनाते हैं 1906 में, इंडियन मुस्लिम लीग। सलीमुल्लाह जो ढाका का नवाब, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, उसमें बंगाल में था, तो सलीमुल्लाह और आगा खान, ये बनाते हैं।
और यही सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, एक जनरल इलेक्टोरेट होता है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट माने पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र माने कि आपको निर्वाचन क्षेत्र मिल जाएगा कि इस क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और मुस्लिम ही वोट डालेगा। और जनरल इलेक्टोरेट सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या था कि उसमें मुस्लिम केवल खड़ा हो सकता है लेकिन वोट सबको ही डाल सकता है। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, वोट डालना यहीं से शुरू हो गया, वोट पड़ना कि भाई मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, मुस्लिम ही वोट दे सकता है, वहाँ पर हिंदू भी है तो हिंदू के मन में नहीं होगा, हिंदुओं के कि हम वोट भी नहीं दे सकते, हम इलेक्शन में भी खड़े नहीं रह सकते, हमको अलग क्यों कर दिया गया है, ऐसा क्यों। इस तरह से इन्होंने जो बंगाल के विभाजन से मनसा जो पूरी नहीं उसको इस तरह से इन्होंने पूरा किया। पार्लियामेंटल रिफॉर्म में ये भी एक था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला और यहीं से नींव पड़ गई पाकिस्तान की मांग की। अब देखिएगा तो ये सब चीज़ें हुई पार्लियामेंटल रिफॉर्म के बाद। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आता है 1911 में, जो घोषणा होती है बंगाल का पार्टीशन हम नहीं करेंगे, इसको बंद करेंगे, वापस लेंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग फाइनली ये क्विट करता है बंगाल के विभाजन को, पूरी तरह से बंगाल का विभाजन समाप्त हो जाता है, अब बंगाल फिर से एक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, पूछेगा कौन बंगाल का विभाजन को वापस लिया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, ये हो गया। और इसी ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नहीं अपने इंपीरियल कैपिटल को क्या कहते हैं कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया। इसके पहले इनकी राजधानी कलकत्ता होती थी, कलकत्ता, लेकिन इसने कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट किया, तब से राजधानी दिल्ली ही है, आज भी राजधानी दिल्ली। तो कलकत्ता 1911 से पहले होता था लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने इसे कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया, इंपीरियल कैपिटल आपका कलकत्ता से दिल्ली हो गया, ये सब बात है। और इसके बाद 5-6 साल तक कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती है, कुछ उतना होता नहीं है। इसके बाद जो है 5-6 साल बाद बाल गंगाधर तिलक भी जेल में से आ जाते हैं वापस, और उधर महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है 1915 में, साउथ अफ्रीका से वो भारत आ जाते हैं। और एक मैडम एनी बेसेंट आयरलैंड से आ जाती हैं, वो भी अंग्रेजों की दुश्मन, क्योंकि आयरलैंड पहले ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं था, बाद में हुआ, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग है, इंग्लैंड अलग है, कभी आपको बताएंगे हम। तो ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन के दौरान इन्होंने आयरलैंड पर कब्जा किया, तो आयरलैंड का दुश्मन अंग्रेज सब और अंग्रेजों का दुश्मन भारत, तो इसने सोचा, एनी बेसेंट ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो हम भारत चलें और बदला लें अपना, भारत में आई और देखिए कि ये तो इनकी मनसा कामयाब हो गई है, फूट डालो राज करोगे, क्योंकि कांग्रेस बटा हुआ है, एक लिबरल पार्टी है, एक एक्सट्रीमिस्ट को इन्होंने भगा दिया, मुस्लिम लीग एक अलग हो गई। इन्होंने सोचा कि पहले एक करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, इन्होंने एक करने का काम किया। इन्होंने पहले 1916 में एनी बेसेंट क्या करती हैं, कहती हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट को, गरम दल को मिलाओ कांग्रेस में, कांग्रेस से बात करती हैं जाकर, इन गरम दल के लोगों को मिलाओ अपने में, ठीक। और फिर मुस्लिम लीग को भी कहती हैं कि तुम भी संधि करो कांग्रेस से, हमको सबको मिलकर अंग्रेजों से लड़ना है। सब मान भी जाते हैं बात को। 1916 में लखनऊ पैक्ट के दौरान जो प्रेसिडेंट रहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका नाम रहता है ए सी मजूमदार, वो रहते हैं लखनऊ पैक्ट के दौरान कांग्रेस के प्रेसिडेंट, लेकिन प्रतिनिधित्व करने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लखनऊ के सत्र में 1916 में। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू इधर से कांग्रेस की तरफ से, और इधर से जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों साइन करते हैं पैक्ट को और दोनों एक हो जाते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट को भी शामिल कर लिया जाता है इसी लखनऊ पैक्ट में। अब ये दोनों एक हो जाते हैं, इसके बाद ये शुरू करती हैं एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक से मिलकर कहती हैं, बाल गंगाधर तिलक जेल से वापस आ गए रहते हैं, कहती कि होम रूल मूवमेंट लाया जाए, स्वशासन आंदोलन। स्वशासन क्या, जिससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था और ऊपर होल्ड कर कंट्रोल करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वैसे ही हमारा भी यहाँ पर शासन हुआ, आप ऊपर वैसे वहाँ पर बैठे रहना, अपने ब्रिटेन में देखते रहना, स्वशासन, होम रूल मूवमेंट। तो आ जाता है वो क्या, होम रूल मूवमेंट। इसी होम रूल मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक नारा देते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, आप सबने सुना होगा ये।
इसी में नारा देते हैं होम रूल मूवमेंट में 1917 में शुरू होता है, 1916-17 में शुरू होता है, 1916-17 के बीच में, 1916 में जब संधि हो जाती है सब एक हो जाते हैं, तब अंग्रेजों को भी पता चल जाता है कि सब एक हो गए हैं, दिक्कत है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है, तो हम इनको कंट्रोल अभी कर नहीं पाएंगे क्रांति अगर शुरू हुई तो ये क्या कहते हैं क्या ये अरे अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है और होम रूल लीग होम रूल मूवमेंट को शुरू करता है। होम रूल मूवमेंट को कौन शुरू करता है? होम रूल लीग। 1916 अप्रैल 1916 में स्थापना होता है, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग बनता है, होम रूल लीग, और ये होम रूल मूवमेंट ला देता है। अंग्रेजों को पता रहता है कि हम भी जीत नहीं पाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा है, ये भी सब है। तो ये कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीतने तक इंतजार करिए, हम उसके बाद आपको होम रूल दे देंगे, आश्वस्त करते हैं। तो क्या कहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस के सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन, होम रूल, तो सेल्फ गवर्नेंस हम आपको दे देंगे। और नेटिव एजुकेशन, स्थानीय शिक्षा, हमारे यहाँ की शिक्षा होगी, आपका अंग्रेजी माध्यम वाला सब खत्म करेंगे। तो स्वशिक्षा और स्वशासन की मांग को कहते हैं कि हम मंजूर करेंगे, लेकिन पहले आप वर्ल्ड वार खत्म होने दीजिए। तो स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन माने सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस की मांग करते हैं, और नेटिव एजुकेशन यानी स्थानीय शिक्षा, स्थानीय स्वदेशी शिक्षा, कहते हैं कि वर्ल्ड वार खत्म होने दीजिए, वर्ल्ड वार खत्म होने दीजिए। फुसला देते हैं, वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ये देते नहीं है, लेकिन फिलहाल तो ये कांग्रेस के लोग समझते हैं कि हमारी जीत हुई है, और जीत का कारण समझते हैं एनी बेसेंट को। इसलिए 1917 में एक अधिवेशन होता है कलकत्ता सत्र, उस कलकत्ता सत्र में सब मिलकर एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बना देते हैं कांग्रेस का, कलकत्ता के सेशन में, कलकत्ता के सेशन में 1917 एनी बेसेंट बन जाती हैं प्रेसिडेंट। सोचते हैं कि एनी बेसेंट की वजह से ही ये सब हुआ है, हमें स्वशासन की मंजूरी मिल कर दिया गया, वर्ल्ड वार बीतने के बाद हमको मिल जाएगा स्वशासन, तो यानी कितना बड़ा काम हो गया, 1857 की क्रांति से नहीं हो पाया वो अब हो गया एनी बेसेंट की वजह से, इनको हम बना रहे प्रेसिडेंट। तो पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। ये सब बातें रहीं, अब इसके बाद हम गांधीयन इरा, गांधी युग की बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद भारत से संस्कृति, जय श्री राम।